गाइस, गूगल की तरफ से हमें एक गूगल एडसेंस की तरफ से एक ये पोस्ट आई है और इसमें होता है हमारा गूगल एडसेंस का पिन, जिसको हम वेरीफाई करने के बाद ही गूगल के एडसेंस से पेमेंट ले सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, और ये सब हो पाया है आप लोगों के प्यार की बदौलत। अगर आप लोगों ने इतना प्यार ना दिखाया होता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया होता और हमारे जो व्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ ना होते, तो यहाँ पर मुझे ये कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा करने के बाद जो आपकी अर्निंग होती है वो एडसेंस में जाती है, और उस एडसेंस में जब $100 हो जाते हैं तब आपकी मनी आपके बैंक अकाउंट में आती है, और बैंक अकाउंट में आने के लिए ये वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इसके बगैर आपकी जो अर्निंग है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती। ये कब आपको मिलता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और कितने दिन में आपके घर पर आता है, कितने चांस मिलते हैं, और अगर ये फेल हो जाता है किसी भी तरीके से नहीं आता आपके घर तक तो क्या होता है, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। फिलहाल ये कोई मोबाइल गैजेट्स वाली वीडियो नहीं है, ये एक टेक्निकल वीडियो है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे चैनल पर जो हमें फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बताता हूँ मैं इसके बारे में पूरी स्टोरी कि आखिर ये मुझे कैसे मिला। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज में इंटरेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। इसमें सबसे पहले कंडीशन जो थी पहले थी $10 की, अगर आप $10 कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको एक एडसेंस पिन को वेरीफाई करना पड़ता है एक एड्रेस के तौर पर। आप अपने गूगल में गूगल एडसेंस के अंदर एक एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस पर आपका पिन भेजा जाता है, और इसके अंदर मैं इसको ओपन करूँगा, मैंने इसको ओपन कर लिया, ऊपर से मैंने इसको फाड़ लिया है यहाँ से, तो ऊपर से मैंने इसको फाड़ के अब इसके अंदर मैंने एक पिन देखा है, उस पिन को मैं अपने जो एडसेंस है उसके अंदर एंटर करूँगा तब मेरा जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। बट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो चुका है यहाँ पर। जैसे ही आपके चैनल पर अर्निंग शुरू हो जाती है, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है और आपके अकाउंट में $1 भी हो जाता है, $0.4 भी हो जाते हैं, तभी वहाँ पर आप एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को छोड़ करके वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह डाल सकते हैं, तो आपका जो एडसेंस की आईडी है, आइडेंटिटी है, वो वेरीफाई हो जाती है। उसके वेरीफाई होते ही तुरंत आपका जो एडसेंस पिन है वो भी जनरेट हो जाता है, और ये जनरेट हो गया था मेरा 14 अगस्त को। जनरेट होने के बाद उन्होंने कहा था कि इसको आने में 2 से 4 वीक्स लग सकते हैं, और अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि 45 या 50 दिन तक ही आए। बट बहुत शॉकिंग वाली बात है कि ये 10 तारीख को पोस्ट ऑफिस आ चुका था, और पोस्टमैन मेरे गाँव में भी आया, तो उसने मतलब पूछा सब लोगों से, और किसी को नहीं पता क्योंकि ये जो एडसेंस है ये मैंने अपनी मम्मी के नाम पर बनाया हुआ है, तो उनका नाम किसी को पता नहीं है गांव में, तो इस वजह से ही मुझे डिलीवर नहीं हो पाया। और डाकिया ने मुझसे कहा कि वो 3 बार आया था, फिर जब मैं कल बैठा था अचानक मेरे माइंड में आ गया 14 तारीख को गूगल ने पिन जनरेट किया था, मेरे पास से कभी आया नहीं है, एक काम करता हूँ फ़ोन करके देख लेता हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया पोस्टमैन को, देन उन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, घर पर ही है, रखा है, आप कल आ करके ले जाना। तो मैं उसको लेकर के आया हूँ, वो इसको वापस करने वाले थे, बड़ी मुश्किल से मुझे मिल पाया है। यानी कि अगर अभी क्या हो गया है कि आप एड्रेस वगैरह में अपना नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि तुरंत आपकी फिर आईडी वगैरह वेरीफाई नहीं हो रही है, बहुत लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा होता है कि आप नंबर नहीं लिख पा रहे हैं अपने एड्रेस में जब आप वेरीफाई करने जा रहे हैं या फिर आप पिन जनरेट करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको दो उसमें जो 15 से 20 दिन का जो टाइम लिखा होता है ना, 15 दिन के बाद आपको डेली चक्कर लगाने हैं भाई, या फिर पोस्टमैन का नंबर ले लो, उससे रोज़ बात करनी कि मेरे नंबर पे ये आया नहीं आया नहीं आया। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का देखा है, जो हमारे दोस्त हैं पीयूष भाई, उनका ट्रेन एडवेंचर चैनल है, उन्होंने 3 बार भी पिन उनका घर पर नहीं आया, क्योंकि 3 चांस मिलते हैं पिन वेरीफाई करने के, फिर अगर नहीं होता तो आपको पाया मेल के थ्रू ये जो वेरीफाई है वो करना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर उन्होंने मेल के थ्रू किया तब जाकर उनकी पेमेंट आई। एक हमारे दोस्त हैं विकास भाई, उनका चैनल है हिस्ट्री बाबा, उस पर लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तब जाकर के उनका जो पिन है वो घर पे आया है, और लगभग 1.5 साल लग गया उनके पिन को आने में, क्योंकि कई बार आता था नहीं आता था, पूरा मतलब ड्रामा हो चुका था कि उनका जो डाकिया है वो उनके घर तक पहुँचा ही नहीं पा रहा था, तो 3री बार में उनके घर पर आया तो फाइनली उन्होंने रिलैक्स महसूस किया। और ऐसे ही एक और चैनल है पीहू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उनका भी लगभग 3 बार में आया था, वो भी एड्रेस चेंज करने के बाद। तो अभी मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो, बट थैंक गॉड कि मेरा जो है फर्स्ट टाइम में ही रिसीव हो गया है। और इसको कैसे वेरीफाई करना है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा फुल ट्यूटोरियल, जो हमारा आएगा ऑलराउंडर एमके सिंह वाले चैनल पर, जहाँ पर हम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ ही लेकर के आते रहते हैं, जहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प होती है। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर भी कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट में ड्रॉप करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।